हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए लेडीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडीमेड लुक में ये कैप बनाना बताऊंगी आपको। बहुत ही स्ट्रेचेबल है ये देखिए, और इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, बॉर्डर का डिज़ाइन और ऊपर का डिज़ाइन पूरा मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने लेडीज़ के लिए बनाई है, आप ऐसे ही जेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, किसी के लिए भी ये वाली बना सकते हैं। तो देखिए इसका डिज़ाइन ऐसे बन के आया है, सारी जगह एक बराबर इक्वल। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। ये देखिए इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस पे मैंने 104 फंदे बना डाले हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे मैंने डिजाइनर फंदों से इसको स्टार्ट करा है। तो आप भी ऐसे कैप बनाना चाहते हो तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आज देखिए लेडीज़ के लिए हम कैप बनाना जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल रेडीमेड लुक में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए नीचे मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन बना रखा है और ऊपर ये प्लेन और बीच में हमने ये डिज़ाइन दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको फंदे डालना और ये बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की कैप आपको बनाना बताऊँगी। इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई ले रखी है और ये देखिए अब मैं क्रीम कलर से आपको ये बनाना बताती हूँ। तो 3-3 के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनेगा और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो ऐसे एक नोट लगाएंगे, एक साइड हम सिंगल धागा रखेंगे और एक साइड हम डबल कर देंगे। और ये डिज़ाइनर, ये देखिए डिज़ाइनर बॉर्डर डाला है मैंने इसमें, तो ये मैं आपको डालना बताती हूँ। एक फंदा हमने डाल लिया, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप इसमें, इस पे मैंने 104 फंदे डाले हैं इस वाले बॉर्डर में, ऐसे आप 104 फंदे डाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड इस पे मैंने 17 फंदे डाले हैं और इस पे मैं अभी डिज़ाइन डालना बताती हूँ आपको। तो ये पूरी सिलाई जो पहली हम बनाएंगे, ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, ऐसे सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देंगे पहली सिलाई। फिर दूसरी सिलाई पे हमें डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ऐसे आप ये पूरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, बेबी टॉप में, किसी में भी इस डिज़ाइन को बॉर्डर में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई पे ये फ्लेक्सिबल है, देखिए फ्रेंड ऐसे आएगा ये डिज़ाइन। तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे पे हम 5 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, इस एक फंदे पे फिर से 5 फंदे बनाएंगे, फंदा छोड़ेंगे नहीं, बस इसी के अंदर ऐसे बनाते रहेंगे, 2 3 4 5, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 3 4 5, फिर धागा आगे, 1 2 2 3 4 5, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 5, धागा आगे, 1 फंदा भी यहाँ उल्टा और एज स्टिच हमारा सीधा, दोनों साइड एक एक फंदा हमारा सीधा आएगा। अब दूसरी सिलाई देखिए, 2 ही सिलाइयों का ये डिज़ाइन है फ्रेंड। अब देखिए उल्टी सिलाई पे आगे हम, तो पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे, यहाँ जो उल्टा बना यहाँ से हम इसको सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे, अब ये 5 फंदे हैं इनको ऐसे खोलेंगे, ये देखिए फिर हम 5 का 1 बना देंगे और ये 2 फंदे अब यहाँ से हम सीधे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे, इन 5 फंदों को थोड़ा थोड़ा ऐसे खोलेंगे,
पांच ही काउंट करना, आप ये दो मत बना देना इनके साथ। तो पांच का ये देखिए ऐसे, फिर दो फंदे हमारे सीधे, फिर धागा आगे, इन पांच को ऐसे बनाएंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, फिर दो फंदे सीधे, देखिए पांच का हमने एक बना लिया। अब एक फंदा हमारा है सीधा और एज ए स्टिच हम इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। तो देखिए इन दो सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और देखिए डिज़ाइन भी बन गया। अब मैं दोबारा से आपको डिज़ाइन डालना बताती हूँ, बस ऐसे ही हमने बनाना है फिर से दोबारा से, जो हमारी पहली सिलाई है। एक फंदा स्लिप करा, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे करा। अब इस एक फंदे पे हम फिर पांच फंदे बनाएंगे, दो तीन चार पांच, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा आगे, दो फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, इन पांच फंदों पे एक का पांच बनाएंगे, तीन चार पांच, दो फंदे फिर उल्टे, एक पे पांच, तीन चार पांच, फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, ये उल्टा और ये सीधा। अब उल्टी सिलाई भी हमारी दूसरी सिलाई की तरह बनेंगी। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ये हम ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा आगे, ये देखिए ये फंदे दिख रहे हैं जो दो हमारे हैं उल्टे, इस साइड से सीधे बनेंगे। इन पांच का अब हम दूसरी सिलाई पे उल्टा उल्टा ऐसे पांच का एक बना देंगे, फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा आगे ऐसे पांच का एक बना लिया। अब दो फंदे सीधे, फिर से पांच का एक, ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे, इन पांच फंदों का हम एक बना देंगे ऐसे, फिर दो फंदे सीधे। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बन के आता है फ्रेंड, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर लास्ट का ये एज स्टिच इसको, तो यहाँ तक देखिए इन्हीं दो सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो देखिए इस पे मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात डिज़ाइन बनाए हैं, आप भी सात डिज़ाइन बना लीजिए। बॉर्डर जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद देखिए फिर दो सिलाइयाँ हम सीधी उल्टी बना देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको ये डिज़ाइन डालना बताती हूँ। तो पहली सिलाई हम ऐसे सभी फंदों की सीधी बना देंगे, ऐसे सभी फंदों को आप सीधा बना लीजिए और उल्टी सिलाई पे सभी फंदों को उल्टा। उसके बाद फिर मैं अगली सीधी सिलाई पे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दो सिलाई हमने बना ली, तो ये वाला डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे अब। तो देखिए शुरू में अभी हमने 104 फंदे हैं, शुरू में हमने तीन फंदे बनाए फिर ये फली बनाई, और लास्ट में भी हमने तीन फंदे बनाए और ये फली बनाई, बीच में हमने 10 फंदे बनाए। ए देखिए तीन, फिर दो पे डिज़ाइन, फिर 10, फिर दो पे डिज़ाइन, 10, फिर दो पे डिज़ाइन। तो ऐसे हम बनाएंगे ए वाला डिज़ाइन। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड अब बीच में हम जेंट्स की स्वेटर में भी ये वाला डिज़ाइन डाल सकते हैं, और ये देखिए बच्चों की स्वेटर में भी, लेडीज़ कार्डिगन में ये वाला डिज़ाइन अब
बनाना सीखेंगे, कैसे हमने डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हमने फंदे पहले बराबर करने हैं, जो एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको साइड में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन फंदे साइड में निकाल लिए हैं दोनों, ये 104 फंदे हैं, बीच में हमारा 10 का ये और 12, 12 12 फंदे ऐसे काउंट कर लीजिए आप, जो एक्स्ट्रा बचेंगे उनको साइड में कर लीजिए। तो ये वाला सेम डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहला फंदा हमने स्लिप करा ऐसे, तीन फंदे जैसे इसमें है वैसे हमें बनाएंगे। अब देखिए धागा ऐसे, दोनों धागे हम आगे लेके आएंगे और जो टाइट वाला धागा है उससे हम ये दो फंदे उल्टे बना देंगे, ऐसे इसको खींच लेंगे। अब फिर देखिए एक दो तीन चार छः सात आठ, आठ फंदे हम बीच में बनाएंगे। यहाँ हमने 10 बनाए हैं, यहाँ फंदे मैंने कम ले रखे हैं, तो 8 हमने बनाए यहाँ पे और यहाँ हमारे 10 हैं। फिर से हमने देखिए धागा ऐसे पकड़ना है, दोनों धागों को सिलाई के ये देखिए ऐसे दोनों सिलाई के अंदर आने चाहिए। फिर जो टाइट वाला धागा है उससे हम दो फंदे उल्टे बना देंगे और इस वाले धागे को खींच लेंगे और लास्ट में जितने फंदे आपके उसको ऐसे बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई पे देखिए, सभी फंदों को हमने उल्टा बना देना है उल्टी सिलाई पे, इस पर हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सिलाई पे ही ये डिजाइन बनेगा। तो ये उल्टी सिलाई में ऐसे बना लेती हूँ सभी फंदों की। और फिर दिखाती हूँ एक बार, तीन चार डिज़ाइन बनने के बाद देखिएगा फ्रेंडे। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दो फंदे हमने सीधे बनाए ये देखिए, यहाँ पे हमें फली बना रहे हैं। तो फिर से दोनों धागों को ऐसे आगे लेके आएंगे और जो टाइट वाला धागा है उससे हम दो उल्टे बना देंगे और इस धागे को खींच लेंगे, फिर बीच के फंदे बना लेंगे। ऐसे हमने बीच के फंदे भी ऐसे बना लेने, फिर धागा ऐसे आगे लेके आएंगे दोनों को और टाइट वाले धागे से ऐसे खींच लेंगे इसको और लास्ट के फंदों को ऐसे बना देंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, एक बार फिर मैं आपको सीधी सिलाई पे बनाना बताती हूँ, उसके बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा कि कैसे हमने बनाया है। तो एक बार फिर दिखा देती हूँ मैं आपको, उल्टी सिलाई पे ऐसे हमने उल्टी ही बनानी है, उल्टी पे हमने कुछ नहीं करना है। अब लास्ट बार और ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अब हमारी फली दिखना स्टार्ट हो गई है, ये तो ऐसे बनाते जाएंगे तो ये दिखती जाएगी। तीन फंदे हमने पहले बना लिए, अब देखिए ऐसे पकड़ के दोनों धागों को आगे लाएंगे और जो टाइट वाला है उससे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे और फिर इसको खींच लेंगे। अब बीच के फंदों को हम सीधा बनाएंगे देखिए। अब फिर यहाँ भी दोनों धागों को ऐसे आगे लेके आएंगे, एक और एक दो, इन दो को उल्टा बना दिया, इसको खींच लिया ऐसे। अब उल्टी सिलाई देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी फली दिखना स्टार्ट हो गई है। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टे बना देती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो ऐसे देखिए हमारा ये डिजाइन इन्हीं दो दो सिलाइयों से कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ एक ही सिलाई पे डिजाइन बनता है। तो ऐसे आप बना लीजिए ये, फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, कितनी लेंथ मैंने रखी है इसकी। तो बॉर्डर की लेंथ देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 3 इंच का हमने करीब बॉर्डर बनाया है। 3 इंच के बाद
8 इंच हमारी इसकी, देखिए 8 साढ़े 8 इंच तक हमने इसका ऊपर का पार्ट बनाया है। तो इसके बाद अब हम इसकी घटाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 7 डिज़ाइन बनाए हैं मैंने, और इसके ऊपर देखिए काउंट करा देती हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 डिज़ाइन ए वाले बनाए। अब हम टोपी की लेंथ ही कंप्लीट हो गई है, तो मैं अब घटाई करना इसकी स्टार्ट करूँगी। तो पहला फंदा ऐसे उतारेंगे। अब ये जो हमारी फली है इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, पर पहले इन दो का एक कर देंगे ऐसे, फली हम लास्ट तक ऐसे ही बनाएंगे, दो का एक कर दिया। अब फिर धागा आगे लेके आएंगे, इन दो को उल्टा बनाएंगे, अब धागा पीछे, और देखिए बीच के पहले दो का एक करा, फिर एक फंदा सिंगल, फिर दो का एक करा, फिर एक फंदा सिंगल, फिर दो का एक करा, और एक दो फंदे हम सिंगल बना देंगे। फिर डिज़ाइन आ गया, तो ऐसे देखिए अब यहाँ फिर हम दो का एक करेंगे और एक फंदा सिंगल बनाएंगे, दो फंदे का एक बनाएंगे, एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर दो फंदे का एक बनाएंगे, और लास्ट के दो फंदे हम सिंगल बना देंगे। फिर ये हमारा डिज़ाइन है, तो इसको वैसे ही बना देंगे। तो इन 10 फंदों में से हमारे 3 बार घट जाएंगे, एक बार घट गए ये, 2 बार घट गए, और ये 3 बार घट गए। तो अब हमारे पास 7 फंदे बच जाएंगे। तो पूरी सिलाई आप ऐसे ही बना लीजिए, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टे बनाएंगे हम। उल्टी सिलाई पे कुछ भी नहीं करना है, जो हमारे फंदे हैं उनको वैसे ही उल्टा उल्टा बना देना है। देखिए एक बार देख लीजिए, दो का एक, फिर एक फंदा सिंगल, फिर दो का एक, एक फंदा सिंगल, फिर दो का एक, और दो फंदे सिंगल, फिर वही डिज़ाइन। तो ये आप बना लीजिए 2 सिलाई, ए वाली पूरी और उल्टी, फिर पूरी उल्टी, फिर अगली सीधी पे दिखाते हो। अब उल्टी सिलाई देखिए फ्रेंड, उल्टी हम पूरी उल्टी बनाएंगे, सीधी हमने बना ली। तो ये 2 का डिज़ाइन है, तो इनको भी ऐसे सिंगल सिंगल बना देंगे। तो पूरी सिलाई उल्टी में बना लेती हूँ, फिर सीधी पे दिखाते हो। अब सीधी सिलाई पे आ गए फ्रेंड हम, फिर से देखिए ये जो हम बीच का डिज़ाइन है इसको वैसे ही बनाएंगे, और फिर से फंदे कम करेंगे। तो साइड वाले 2 फंदे तो हम ऐसे ही रखेंगे, और इन 2 का हम वैसे ही डिज़ाइन बना देंगे। अब सेंटर में देखिए, पहले हमने अब एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, यहाँ पे हमने 2 का 1 करा था पहले, अब आगे 2 का 1, एक फंदा सीधा, जैसे 2 का 1 और एक फंदा सीधा। अब 1 2 3 4 5 फंदे हमारे बच गए, फिर हम वो डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे। और देखिए एक फंदा सिंगल, फिर 2 का 1, एक फंदा सिंगल, 2 का 1 और एक फंदा हम सिंगल बना देंगे, और यहाँ पे हम फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो 2 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, तो बीच में हमारे 5 5 फंदे बचेंगे। पहले 7 7 थे, अब 5 5 है, फिर अगली सिलाई में 3 3 बचेंगे। तो ऐसे हमें फंदे हर एक सिलाई में, सीधी सिलाई में घटाते जाएंगे, और ये जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं इनको हमने ऊपर तक ऐसे ही बनाते जाना है। 2 का 1, एक सिंगल, फिर से 2 का 1, एक सिंगल, और फिर दोनों धागे आगे,
तो जब तक हमारे पास सिर्फ एक डिजाइन वाले दो ए नहीं बच जाते और बीच में एक एक फंदा है, तब तक हम ऐसे ही घटाते जाएंगे। तो ये मैं घटा लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ, आगे हमने फिर कैसे बनाना है। देखिए थोड़ा सा मैं दिखा दूँगी अगली सीधी सिलाई पे भी कि तीन तीन फंदे कैसे बचाएंगे। अब देखिए अगली सीधी सिलाई पे आ गए हम, तो दो फंदे तो हम ऐसे ही बना लेंगे और दो पे ही डिजाइन बनाएंगे। तो लास्ट के चार तो हमारे हो गए। अब देखिए यहाँ हम दो का एक कर देंगे, एक फंदा फिर सिंगल बनाएंगे और लास्ट में भी दो का एक कर देंगे, तो तीन फंदे हमारे बच गए। अब यहाँ हम ये डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सिंगल और फिर दो का एक, और ये डिजाइन ऐसे ही बना देंगे। तो तीन तीन फंदे हमारे बच जाएंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना के फिर अगली सीधी पे दिखाते हैं। पांच पांच बचे अगली बार, फिर अभी हमारे तीन तीन बच गए, अगली बार हम एक एक की। अब अगली सीधी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, तो यहाँ फिर से हमने एक फंदा यहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये दो डिजाइन हम वैसे ही बनाएंगे ऐसे। अब धागा पीछे करेंगे, देखिए तीन में से हम पहला फंदा स्लिप सीधा बनाएंगे, फिर दो का अब इन तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। तो जो सेंटर वाले दो हैं दो को ऐसे स्लिप करेंगे और इसको बना देंगे और इन दो को ऊपर से उतार देंगे, तो तीन का एक हो जाएगा। फिर धागा आगे, यहाँ फ्रेंड एक फंदा हमारा गायब हो गया, यहाँ मैंने शायद दो का एक कर दिया है बीच में। तो देखिए यहाँ फिर तीन फंदे का देखिए स्लिप करा, ये बनाया और ये दो को ऊपर से उतार दिया, फिर दोनों धागे आगे लेके आए, ये दो का डिजाइन फिर बनाया ऐसे, और यहाँ फिर तीन का एक करेंगे। तो ये पूरी सिलाई में आप ऐसे कर लीजिए और उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी बना के अगली सीधी पे फिर मैं दिखाती हूँ आपको, अगली सीधी पे हमने कैसे ये डिजाइन को एडजस्ट करना है ऐसे। अब देखिए अब लास्ट बार हम सभी फंदों का दो का एक कर देंगे। देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और बीच के सभी फंदों का हम दो का एक कर देंगे ऐसे, दो का एक फिर से दो का एक ऐसे, पूरी सिलाई में हमने दो का एक कर देना है, दो का एक ऐसे। तो कम से कम 14-15 फंदे हमारे पास बचेंगे ऐसे करके, फिर उन फंदों को हम इकट्ठा कटाएंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ पहले सभी फंदों का दो का एक, और लास्ट में भी हम दो का एक कर देंगे ऐसे। तो अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 फंदे बचे। तो 15 फंदों को ये जो पहला फंदा है इसके ऊपर हम सभी फंदों को स्लिप करेंगे ऐसे, इसके ऊपर ऐसे गिरा देंगे।
से गिरा दिए और इसको थोड़ा हम खींच लेंगे। ऐसे हमने इसके अंदर से अब ये जो हमारे पास धागा बचा इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए 100 ग्राम ऊन में हमारा ये पूरी कैप बन गई, बस थोड़ा सा ये वाला धागा बचा। तो गोले वाला ऐसे धागा ले रखा है मैंने जो गोले में आता है, और इसको अब टाइट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए टाइट हो गया और ये हमारी कैप का ये ऐसे डिज़ाइन बन के आता है। तो अब देखिए अब हम थोड़ा सा धागा यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद फिर हम सिलाई करेंगे इसकी। तो ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। अब हम ये नीचे वाला तो यहाँ से ही सिलेंगे, तो यहाँ पे एक नोट लगा देंगे हम अच्छे से, और एक धागा यहाँ से निकाल देंगे काट के। तो वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ऊपर से सिलाई करेंगे, नीचे से जॉइंट करना मैं बाद में बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई करेंगे इसकी, दोनों साइड से आप ऐसे पकड़ लीजिए और जो जो उल्टा सीधा, ये देखिए दो फंदे के बीच में ऐसे फंदा दिखता है यहाँ पे, ये देखिए इन दो के बीच में ऐसे एक एक लूप ऐसे, फिर आगे वाला इन दो के बीच में ऐसे दिखेगा। तो ऐसे आप इनको लेते जाइए और नीचे तक इसको इसकी सिलाई कर दीजिए। जो हमारी ये फली फली बन के आती है इनके बीच में से ऐसे एक फंदा ऐसे निकालते जाना है। देखिए ये दिख रहा है, तो इसको ऐसे ले लेंगे, फिर इस साइड वाला यहाँ पे दिखेगा तो इसको ऐसे ले लेंगे। देखिए इस साइड वाला, फिर हम इस साइड वाला ऐसे दोनों साइड से आप ऐसे सिलते जाएंगे तो बहुत ही देखिए सुंदर हमारी सिलाई बन के आएगी, दिखेगी भी नहीं। बस ऐसे ही हमने ये नीचे तक पूरा सिल देना है, फिर नीचे मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी, नीचे हम कैसे इसको बॉर्डर में जॉइंट करेंगे। बस फ्रेंड ऐसे आप इसको सिलते जाइए। अब नीचे से जॉइंट करना बताती हूँ फ्रेंड मैं आपको। देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर दी है, देखिए तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट करेंगे। देखिए ऐसे जो हमारा ये फंदे डालने से पहले वाला धागा है वहाँ पे हमने ऐसे एक यहाँ से और एक ये देखिए फंदे डालने से पहले वाला धागा ऐसे, देखिए ऐसे हम इनको जॉइंट करेंगे। तो एक फिर यहाँ से और एक फिर यहाँ से, ये हम सीधी साइड को ही इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ आप अच्छे से इसको एक ऐसे एक ऐसे निकाल लीजिए धागा, और ये वाला पार्ट भी ऐसे इसकी सिलाई कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा उल्टा उल्टा दिख रहा है, एक इस साइड का उल्टा, एक फिर इस साइड का उल्टा ऐसे, ऐसे हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे दिखेगी नहीं, अच्छे से जॉइंट हो जाएगी। ये देखिए फिर इस साइड वाला उल्टा, फिर इस साइड वाला उल्टा, तो यहाँ पे अच्छे से जॉइंट हो गया हमारा। ये देखिए पता भी नहीं चल रहा, बिल्कुल बराबर लग रहा है। फिर यहाँ पे एक फंदा ऐसे लेंगे और इसको अंदर के साइड पे यहाँ पे ये ऊपर वाला धागा और ये वाला, इन दोनों को अच्छे से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे। ठीक, तो धागा मैंने काट दिया, अब इसको अच्छे से आप ऐसे जॉइंट करके फिर काट दीजिएगा। तो देखिए हमारी कैप का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, तो कहाँ से हमने इसकी सिलाई करी है।
तो बहुत ही खूबसूरत हमारी कैप बनके ऐसे रेडी होती है रेडीमेड लुक में। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, लेडीज जेंट्स किसी को भी आप इसको बना सकते हैं, पर ज़्यादा मैंने लेडीज़ के लिए बनाई है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।